सो हेलो गाइस, सब तभी चिकन वाचिंग माय चैनल ताबिज डायरी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग। अभी ना तो लंच टाइम है ना ब्रेकफास्ट टाइम है, आज है अभी है ब्रंच टाइम, यानी कि 11 बजे हुए। अब हमारा जो भाई ब्रेकफास्ट कह लो या जो डिनर कह लो, डिनर नहीं सॉरी लंच कह लो, वो चल ही रहा है। आज मेरे हाथ से भाई है, सुबह से बहुत पिट रही है और इंशाल्लाह पूरा दिन पिटेगी भैया। कहाँ जा रही हूँ? ठीक है भाई, गुड़िया भाई अपनी 12वीं की क्लास की पढ़ाई करने जा रही है अभी। मैं बता दूँ दो साल पहले हो चुके हैं, तो भाई अपनी 11वीं की पढ़ाई करने जा रही है। नर्सरी के करने जा रही है, नर्सरी के बराबर ये सच बताऊं तो, सच बताऊं तो ये नर्सरी के ही लायक है, ये ये प्ले स्कूल के ही लायक है। कोई नॉलेज नहीं, कोई मतलब कोई समझदारी का काम कुछ नहीं। ऐसे बात करने वालों को भी तो भाई अभी ना ब्रेकफास्ट करके मुझे ना अभी सामान रखाना है वहाँ पे विला पे, और मैं 2-3 दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब अपने ब्लॉग आ नहीं रहे हैं, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं फेसबुक के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और जो वाइंस टाइप होती है मैसेजेशनल हो गई, मतलब कंटेंट जो होते हैं, किसी में मैं MLA का लड़का बनाऊँ, किसी में मैं पुलिस इंस्पेक्टर, किसी में आर्मी, पता नहीं। वीडियो तो यार देखो वीडियो अच्छी बन रही है, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ना सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनने को मिलते हैं, कभी आर्मी ऑफिसर, कभी नेवी ऑफिसर, कभी पुलिस ऑफिसर, कभी MLA का बेटा, कभी MP का बेटा, पता नहीं क्या क्या। वही मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बैड रखने जाऊँगा बिला पे, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। तो भाई आज बनी हमारे घर में हर अड़की दाल। किसके किसके काली दाल। तो भाई आज हमारे घर में बने दाल मखनी वाली दाल और चुपचाप सुगले चावल ही सुगली ने बनाए। अम्मी ये सुगले राइस किसने बनाए? सुगले राइस किसने बनाए? हाँ ये किसने बनाए? सुगले राइस सुगली ने बनाई। अम्मी आंसर नहीं दे रही है ना। हाँ सुगली का मतलब होता है अच्छे, और ये सुगली हमारी अच्छी। चलो भैया सुरड़े चावल बनाए सुरड़ी ना भाई। ये तो खाएगा पिएगा सोचेगा सुमड़ा। सुमड़ा मुझे पता क्या है, सुमड़ी का भाई सुमड़ा। अरे हम थे जहाँ हम थे वही। मैं अम्मी रो रही है, पापा का गाना गा रहे हैं और अम्मी रो रही है। बड़ी दोपहर कहानी क्या हुआ? सब चले जाएंगे। अभी बहुत इमोशनल है। पढ़े जाएंगे नहीं सब पढ़े जाएंगे। अरे हम भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे एक दिन, मैं भी चले जाएंगे। तो भाई अम्मी हमारी इमोशनल हो गई, पापा ने कर दिया। क्या है वीडियो बना रहा था? मेरा काम करने का दिल नहीं करता। इतनी क्यों रो रही है? आंसू बचा कर रखो। अरे बाबा बस करो यार, ठीक नहीं होता इतना ज्यादा बोल रहा ना मैं। बस मैं ना जो काम कर रहा हूँ खींच के ले लूँ काम जितना हो सकता है ज्यादा ज्यादा। अरे पंखा चला नहीं करता, छोड़ दो बाबा। इसका मन करता है काम का, सबका जी करे घर में आराम से लेते हैं। करता था हां खूब करता था पहले तो। तब्बू से पूछे, तब्बू का तेरा मन करा काम का? मैं तो बहुत काम करने मन करा, आराम करने का मन करा है। आराम करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मैं या क्या करता, मेरा मन करता करो करो करते जाओ करते जाओ। क्यों रो रही है फिर? तू कटा से मान लग जा टाइम से पहले कटे कटे से। ओए होए याद आ गया अपने अगले पिछले।
कल खेल जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं में तारे रहेंगे सदा। अपनी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब मतलब दिख जाए और सारी उम्र दिखते रहे। करेक्ट। पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा अपने यही। तो अपने गाने बंद करो ना सुबह सुबह। गाना क्या दिक्कत है? अच्छा गाना। अरे बाबा रुक जाओ, ज्यादा ठीक नहीं होता। हम जब रो रही है तो मत खुलो। सो भाई अभी ना बारिश का मौसम हो रहा बहुत ज्यादा, मतलब मैं बेड भी नहीं रख पाया हूँ अपने विला पे। तो नहीं भाई सब शहद नहीं चाहिए, हम खुद इतने मीठे हैं, हमें शहद की क्या जरूरत है। तो भाई अभी सब्सक्राइबर ने मेरे लिए एक पेंटिंग भेजी है तो मैं उसको रिसीव करने जा रहा हूँ। मैं तो भाई फाइनली रिसीव कर लिया, थैंक यू सो मच सिमरन इतना प्यारा पोर्ट्रेट रेडी करने के लिए मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात है यार ये भाई साहब भीगते हुए आए हैं, देखना दिल्ली से आए ना भाई आप? अच्छा ये दिल्ली से आए हैं। तो थैंक यू सो मच सिमरन जिन्होंने बनाया, मैं इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगा, अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो उनको कर लेना। तो भाई अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको घर पर जाके इसको ओपन करूँगा, अनबॉक्स करूँगा फैमिली के साथ। तो भाई ये पापा पोर्ट्रेट किसी ने कोरियर किया है, देखना खोल के। बेचारा जो भी था ना स्कूटी पे आया था, भीगता हुआ है हमें। स्कूटी पे आया? हम्म, बारिश इतनी हो रही है भीगता हुआ है। कट कर दो। बारिश में पूरा भीगा हुआ है। हम्म, मेरा कैब से आया होगा बट पानी है। ओहो कितना पानी। बुढ़िया पहुंचा देगा। कौन सा लेगा? आई होप कि ये पेंटिंग ना खराब हो रखी हो। पापी ले गई ऊपर अब जान ले गई है भाई। जो फजी लेके एक बार बच्चा। अरे कुछ भी डाल दे ऐसे। भाभी को भाभी का मैं भेज देगी स्पेशल। पगो भी अनबॉक्स करा रहे हैं। पगो बेटा तू रहने दे। बहुत डबल डबल पैकिंग करी है, अंदर भी दिख गया है। ये तो अच्छा है। हां तो सिक्योर आया है ना। मैं कोशिश तो पूरी कर रखी है बेचारों ने, देखा इसके अंदर भी पानी कितना भरा हुआ है। बारिश ही ज्यादा थी ना सर। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना दिल्ली में भी। इधर भी शुगर आइस की पैकिंग है क्या? मेड विद लव फ्रॉम सिमरन दिल्ली, थैंक यू सो मच। मेड विद लव ये देखो भाई पोगो एक्साइटेड हो रहा है। पोगो कालू गुड़िया का और फेस और पोगो का सेम एक जैसा लग रहा है। सो भाई पापा के रिएक्शन अच्छे हैं। अच्छा पापा सस्पेंस बना रहे हैं। मैं पोछा मार रही हूं अभी। ऐसा क्या हो गया पापा इतना सस्पेंस? तो भाई हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने भेजा है, थैंक यू सो मच अगेन यार। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मेहनत करके पोर्ट्रेट रेडी कराते हैं। देख कैसा लग रहा है डंडन? आपको कैसा लगा डंडन? डंडा नहीं दंडन। चलो पापा जल्दी से दिखाओ। ओ शोमी यार पापा ऐसे सस्पेंस बना रहे जैसे कौन बना। यार कितना प्यारा ना। मैंने देखा था ये किसी ने। हाँ वही है। तो तीन चार पोर्ट्रेट्स मेरे पास रेडी हो गए क्योंकि जो भी बना दो अच्छा लग रहा ना। मेरा भी बनाओ। मेरा नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो कुछ कहना चाहोगे आप सिमरन को जिन्होंने बनाया पापा है उनके फ्यूचर के लिए? सिमरन को एक बात कहना चाहता हूँ जी, आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, मेरी भी बनाइए। एप्रिसिएशन के लिए तो कुछ पापा। हाँ तो भाई अगर मेरी तस्वीर बनाओ तो जिंदगी में काफी आगे बढ़ोगे। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। हमारे तरफ से उनको बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। ओके थैंक यू। मम्मी क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ हमारे तरफ से इनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। और मैंने जो भी कहा है उसको सीरियसली ले लें।
और जो दिल्ली के आसपास से होते हैं, जो मेरे मतलब नियर बाय होते हैं, मैं उनसे पोर्ट्रेट वगैरह हैंड ओवर मतलब ले लेता हूँ, लेकिन जो आउट ऑफ सिटीज के होते हैं ना, तो मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि यार ना तो मैं जा पाऊंगा ना वो आ पाएंगे, और फिर वो कुरियर करके भेजते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता भाई, इतने सारी कॉस्ट आती है। और थैंक यू सो मच इस पोर्ट्रेट के लिए, है ना। सेम शक्ल के दो आदमी, मगर आप बिल्कुल सेम लग रहे हो, को भी पोर्ट्रेट लेकिन सेम तेरे से अच्छा है। हां मेरे से ज्यादा अच्छा है वो। ये तुम्हारा पुराना फोटो है शायद। हां क्योंकि इसमें ये फोन जाना मेरे को, ये मैंने ईद 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 वाले दिन बनाया था, इवनिंग में वीडियो बनाई थी। अरे बोले चलो थैंक यू सो मच यार। हां अभी बारिश बंद होने का वेट कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी 3:30 हो गए, बारिश मतलब रुक ही नहीं रही है। यहां से बारिश रुकेगी तो फटाफट जाके ना मैं गोल बैट वगैरह लेके वहां पे जाऊंगा, मैंने बिला पे वो रखूंगा, क्योंकि बहुत सारा काम अटका हुआ है। तो भाई सामान मैंने उठा दिया है, बेड वेड जो लोड कराना था खुद ही कराया, क्योंकि अर्जेंट में काम करना था। चलो भाई रेडी, दिखाओ तो ऐसे जाओ मैं घर जाओ जाओ जाओ। तो भाई आ गया हूँ मैं विला पे, और पीछे सामान भी सारे बाल है, सारे बालों की ऐसी तैसी हो गई, आराम से उतार दे, तो देख लेता हूँ फिलहाल बेड रखना वहाँ पे। रूम हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम हो गया, अभी घर निकलना पड़ेगा। हो गया सब कुछ रख दिया। हाँ मान कैसा लगा तुम्हें घर? हाँ बेस्ट बेस्ट है। चलो भाई ठीक है, तो 1 2 3 चलो। तो भाई आज का ज्ञान, नेगेटिविटी क्लियर ऑफ ऑल एक्टिव मेंबर्स। तो भाई नेगेटिविटी जो है ना सभी को क्लियर करनी पड़ेगी, जितने भी हमारी टीम में बंदे काम करते हैं। भाई जब प्लास्टिक की कुर्सी भी रख दे अपने परविंदर भाई, एज ऑलवेज साथ में, ठीक हो? टाइम पे भी आ जाएगा, और काम भी करवा लिया करो, अब भी आया जब सारा काम कर दिया। शाहरुख भाई क्या बताएंगे, शाहरुख भाई साथ हाँ भाई, भाई की बुलेट खड़ी है, चमचमाती बुलेट ये मेरी एक्सयूवी कहाँ लेके जा रहा है भाई, एक्सयूवी 500। अरे चाबी दे दी क्या आपने उसको? हो गया था भाई। अच्छा चलो ठीक है, हो गया लगा दो लोग, एक बार चेक कर लो ठीक है।